सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी। हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आज का स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आया हूँ आपको जो बाज़ार में इस तरह का बोर्ड बिकता है। अक्सर लोग बाज़ार से ये बोर्ड ले तो आते हैं या तो दुकानदार से कनेक्शन कराते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन से कनेक्शन कराते हैं। बाज़ार में भी बोर्ड बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन उसमें वायरिंग नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के बोर्ड में बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही वायरिंग कर सकते हैं। इसमें वायरिंग करने में कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसमें एक स्विच है और दो सॉकेट हैं। इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में वायरिंग दिखा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको एक सॉकेट, तीन स्विच, चार स्विच की वायरिंग बताई थी। आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ एक स्विच, दो सॉकेट। इसमें मैं आपको बताऊँगा एक स्विच और एक 5-पिन सॉकेट, एक 2-पिन सॉकेट, इसकी वायरिंग करना सिखाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से शेयर करें, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा बोर्ड है, अब हम बोर्ड को 4 पेज चाहिए इसके, हम इसको खोलते हैं। ये हमने देखिए बोर्ड खोल लिया है, ठीक है। ये बोर्ड, ये स्विच है, ये 2-पिन सॉकेट है, ये 5-पिन सॉकेट है। तो सबसे पहले हम, आप कभी भी कनेक्शन करें किसी भी तरह के, तो सबसे पहले कितने भी स्विच हों, एक हो या 5 स्विच हों या 10 हो, सबसे पहले आप स्विच में फेज देंगे, फेज के कनेक्शन करेंगे। ये हमने इसमें आपके फेज दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें न्यूट्रल देते हैं। ठीक है, ये हमने फेज दे दिया है, अब हम इसमें देंगे न्यूट्रल। ये 7 पे हम न्यूट्रल देंगे। तो न्यूट्रल हमें कॉमन ही रखना है, तो जब हम इसमें न्यूट्रल देंगे तो इस सॉकेट में न्यूट्रल देने के लिए हम इसी तार में, ये न्यूट्रल वाले में एक तार का टुकड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। ये हम एक एक्स्ट्रा तार का जोड़ा न्यूट्रल दे देंगे। ये हमने इसे न्यूट्रल दे दिया है। ये हमने इसमें न्यूट्रल जोड़ दिया है। ठीक है, ये हमने इसमें न्यूट्रल जोड़ दिया, ये हमारा फेज स्विच पे हो गया, ये सॉकेट न्यूट्रल हो गया। अब हमें दूसरे सॉकेट में न्यूट्रल देना है, ये दूसरे सॉकेट में न्यूट्रल देना है। ये हमने दूसरे सॉकेट में न्यूट्रल कॉमन कर दिया। ये हमारा ऊपर से न्यूट्रल आया था, ये हमने न्यूट्रल यहाँ सॉकेट में देके दूसरे सॉकेट में यहाँ न्यूट्रल दे दिया है। ठीक है, अब हम दोनों सॉकेटों में फेज देंगे। अब हम स्विच से, ये हमारा फेज आ रहा है, ठीक है,
हम फेस में ये हमने स्विच से ये स्विच हमने ये स्विच था देखिए स्विच है ये स्विच से हमने फेस काटा। अब हमने ये 5 पिन सॉकेट पे फेस दे दिया। ये हमने 5 पिन सॉकेट पे स्विच के जरिए फेस दे दिया ठीक है। अब हम इस वाले स्विच को फेस देंगे। ये हमने स्विच पे फेस लगा दिया है ठीक है। अब हमने इस वाले स्विच को फेस दे दिया ये न्यूट्रल हो गया ये कॉमन हो के दूसरा ठीक है। अब हमें ये देखना है अब आप इस वाले सॉकेट 2 पिन वाले सॉकेट को दोनों तरह से फेस दे सकते हो। आप चाहो तो स्विच से अगर नहीं देना चाह रहे हो तो स्विच से नहीं दो और डायरेक्ट अगर देना चाह रहे हो तो डायरेक्ट दे सकते हैं ठीक है। अगर आपको मैं इसका तार छीन लेता हूँ ठीक है। अगर आपको इस सॉकेट को डायरेक्ट फेस देना है मतलब इस स्विच से कोई मतलब नहीं रखना है आप इस सॉकेट को 2 पिन वाले इस वाले 2 पिन वाले सॉकेट को आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो ठीक है। तो आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फेस पे यहाँ पर लगा सकते हो ठीक। और अगर आपको इसे स्विच से चलाना है तो आप यहाँ लगा सकते हो तो ठीक। मैं इसको फेस पे लगा देता हूँ ठीक है। ये जो डायरेक्ट हमारा स्विच पे फेस आ रहा है ये देखिए ये जो डायरेक्ट फेस आ रहा था तो मैंने ये डायरेक्ट सॉकेट का तार ले आके ये स्विच पे लगा दिया है। तो अब मेरा ये वाला 2 पिन का सॉकेट डायरेक्ट हो गया है इसे स्विच से कोई मतलब नहीं रहा है और ये 5 पिन वाला स्विच से है ठीक है। अब मैं आपको इसे जला के दिखाता हूँ ठीक। दोस्तों अब इसकी वायरिंग मैंने कर दी है ठीक है। अब ये देखिए ये इसकी वायरिंग मैंने कर दी ठीक। अब मैंने ये लाइट दे दी है। अब ये वाला देखिए सॉकेट मेरा डायरेक्ट है ठीक है। ये वाला बल्ब देखिए ये बल्ब ये मेरा इसमें लगा हुआ है ये मैंने डायरेक्ट है ठीक है। इसका इससे स्विच से कोई मतलब नहीं स्विच से मेरा वो वाला बल्ब जल रहा है स्विच से मेरा ये वाला सॉकेट ये वाला जल रहा है देखिए ये जा रहा है स्विच से ये स्विच से है ठीक है ठीक। एक मेरा ये बल्ब जो है ये सॉकेट जो मैंने डायरेक्ट कर रखा है और ये वाला ये स्विच से है ठीक है। अगर इसे भी आप स्विच से करना चाह रहे हो तो मैंने आपको बता दिया उसी तरह से आप कर लें ठीक। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई से शेयर करें। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है। और कमेंट्स में लिखें ज़रूर। थैंक यू।